भाई मैंने एक चीज देखी है, कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता होगा जिंदगी के अंदर ये, पर बहन मेट्स हैं कनाडा के अंदर। ये देखो मैं अभी अभी भाई सो के उठ के आया हूँ, ये टेबल का हाल दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहन, ये पीनट बटर छोड़ा वो मेट्स ने बड़ा दुखी किया हुआ भाई कनाडा के अंदर। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम और स्वागत है आपका एक बार फिर से जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह से। और आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक पे रील्स के अंदर काफ़ी बात होती है। हम कई बार रील्स देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, बेड जहाँ पे लोग शेयरिंग में रहते हैं वैसा हो रहा है। तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कैसे कैसे होता है सुबह से लेके रात तक। और जो भी लोग बाहर आना चाहते हैं वो मोस्टली शेयरिंग पे रहेंगे, अलग से रूम लेके तो हम रहते नहीं हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम अकेला रूम लें और वहाँ पे रहें और अपनी शांति से हम सोएं और शांति से जो है काम करें। तो हमें शेयरिंग पर ही रहना पड़ता है। तो शेयरिंग में रहते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर शेयरिंग में रहते हैं तो आप किसी को इस तरह से परेशान ना करें और खुद शांति से रहें और लोगों को शांति से रहने दें ताकि लोग आपको जो है हमेशा याद रखें। और आइए चलते हैं मेरे साथ जहाँ मैं रह रहा हूँ उस घर के अंदर। गेट कर देते हैं बंद और यहाँ से हमारा जो है ये घर शुरू हो जाता है। ये T2 अपार्टमेंट है और ये रही यहाँ पे किचन, और किचन के साथ ये रहा एक रूम और ये रहा दूसरा रूम। इस रूम के अंदर जो है यहाँ पे एक बंक बेड लगा है, एक सिंगल बेड लगा है, और ये रहा छोटा सा वॉशरूम। तो ये है हमारा घर। तो अभी थोड़ी सी बैठ के बात कर लेते हैं। और आप जहाँ पे भी रहेंगे हर जगह पर आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जिसे आप पसंद नहीं करते, उसकी हरकतें उसकी आदतें आपको पसंद नहीं है, या फिर आपकी आदतें आपकी हरकतें उसको पसंद नहीं है। ऐसा जो है वो जायज है, क्योंकि अगर आप अपने परिवार में भी रहते हैं तो हमारे परिवार में भी हमें कई परिवार के मेंबरों की, जैसे आपके पिताजी की या फिर आपकी भाई बहन की आदतें आपसे मिलती नहीं है ना। तो जहां पे भी हम रहते हैं ऐसा जरूर होता है। ऐसा तो नहीं आप इतने महान है कि आपको हर बंदा पसंद करेगा। शेयरिंग में रहते हुए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये आती है कि लोग एक दूसरे को जो है वो परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनकी प्राइवेसी को लेकर, उनके रेस्ट करने को लेकर जो है लोग उनको परेशान करते हैं शेयरिंग में। तो उसी के बारे में बात है। तो परेशानियां जो है वो सुबह से शुरू हो जाती हैं, अलार्म से शुरू हो जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 8 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन वो सबको जगा देते हैं अपने अलार्म के साथ, मगर वो खुद जो है वो 10 बजे उठते हैं। उसी से जो है ये परेशानी आपकी पहले सुबह से ही जो है ये स्टार्ट हो जाती है। मगर आप ऐसे लोगों को एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, समझाएंगे, हर बार कहेंगे, मगर ये लोग समझने वाले नहीं होते, तभी ये ऐसा जो है हमेशा रिपीट करते रहती हैं। शायद उनको खुद समझ नहीं आता कि ये किसी को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें इतना ख्याल ही नहीं होता इस चीज का कि शायद मेरे अलार्म से कोई दूसरा जाग रहा है और कोई और डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं होता। मैं आपको अपना बता दूं, जब से मैं बाहर आया हूं मैंने अपना फोन साइलेंट पे लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कौन सा किसी प्राइम मिनिस्टर का फोन आना है। अगर किसी का फोन आया भी मुझे नहीं पता चला तो मैं बाद में देख के उसे कॉल बैक कर लूंगा। मैं कौन सा इतना यहाँ पे VIP बिजनेस कर रहा हूँ कि मुझे फोन, अगर मैंने किसी का फोन पिक नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी फैक्ट्री में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब से मैं यहाँ पे आया मेरा फोन साइलेंट में रहता है, इसलिए ताकि कोई और बंदा जो है डिस्टर्ब ना करे मेरे फोन की बेल से। मोस्ट ऑफ द टाइम कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर घुस के ही जो है कमरे के अंदर ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में जो है वो बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी और के साथ, और बाहर खड़े होके भी बातें करते हैं ऊंची ऊंची आवाज में। इसीलिए हमारे लोग जो है वो बदनाम है हर एक कंट्री के अंदर। एशियंस लोग जो है वो बदनाम है, लोग हमें पसंद नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने देश में ही हैं, मगर हमें थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। हमारे पंजाबी में कहावत है होश कर शहर आया, तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें होश करनी चाहिए कि यार हम विदेश में आए, ये हमारा मुल्क नहीं है। तो कई बार हम ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो अजीब
हमें उस तरह से देखते हैं, यार ये क्या डिस्टर्ब कर रहा है रात को 12 बजे 1 बजे, तो ये थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए इस चीज को लेकर। तो जब आप किसी भी घर में आएंगे, हर घर के अंदर एक या दो बंदे जो ऐसे जो आपको जरूर मिलेंगे जो वॉशरूम में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई बस अभी ये मेरा ये मैदान सारा, तो मैं जब मर्जी बाहर आऊं। जब वो सोचते नहीं कि किसी दूसरे भी ने भी यूज करना होगा। और कई लोग जो हैं वो वॉशरूम में जब जाते हैं तो जब बाहर आते हैं जो कार्रवाई करके आते हैं वो सबूत मिटाते नहीं है मोस्टली लोग। तो कईयों की आदत होती है वो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, जो कार्रवाई करे करे उसके बाद वो सीधा बाहर आ जाते हैं। और ज्यादातर हमें अपने अपने घरों से ही फोन आते हैं और कहीं से तो आते नहीं। या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके दोस्त बन गए तो आपके दोस्त आपको कॉल करेंगे। मुझे तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो कॉल करता है, मुझे घर पे ही बात करनी होती है। तो मोस्टली जो है वो मैं घर के बाहर जाके ही बात करता हूँ ताकि प्राइवेसी रहे और उनके सामने मैं कोई बात ना करूँ। बट कईयों की ऐसी आदत नहीं होती, कई लोग जो हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं आपके साथ ही, वो ये नहीं देखते कोई सोया या नहीं सोया। और कुछ लोग जो हैं वो किचन में जब आएंगे कोई काम करेंगे अपने बर्तन जूठे वैसे ही छोड़ जाएंगे, और गंद जो भी डाला होगा उन्होंने आटे के साथ या किसी और चीज़ के साथ, वो उसको साफ करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे अगर मैंने गंद डाला है कोई और दूसरा बंदा करे, कोई नौकर आएगा या कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप साथ साथ ही जो है अपना साफ सफाई का ध्यान रखें, गंद ना मचाएं। और अगर हर बंदा किसी दूसरे बंदे के बारे में सोचने लग जाए, ऐसा सोचे कि यार मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, अगर हर बंदा इस तरह से सोचने लग जाए कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तो बाहर रहना बड़ा सुकून का एक वो बन जाता है। आप आराम से रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। कई बार घर की याद इसी कारणों से आती है, इन्हीं कारणों से आती है, जब आपको घर जैसा वो माहौल नहीं मिलता, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप रात को लेट आए हो, रात को कई बंदे लेट आ रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइट जगा रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, और सुबह फिर वो आपको जगा रहे हैं, तो तब जो है आपको थोड़ा गुस्सा आता है, तब पता चलता है यार आप परदेश में आए हो, आप घर में नहीं हो। तो किसी बंदे को आप एक बार कह देंगे, दो बार कह देंगे, अगर बंदा वो मान ही नहीं रहा आप क्या करेंगे उसके उसके साथ, बताओ। बाकी अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मोस्टली बंदे सारे जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना भी है। ऐसा लोग मेरा व्लॉग देख के कल को वीडियो देख के तो मुझे बोले ओ तुम्हारे हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है ऑनलाइन, ऐसा बोल रहा है। तो भाई मैं जहाँ पे रहता हूँ वो हम बड़े प्यार से रहते हैं, हम साफ सफाई पूरी रखते हैं, हमारे टर्न लगी हुई है, एक दिन के बाद एक बंदा सफाई करता है, जो भी खाना बनाता है वो साफ करता है उसी समय। तो हम जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे का कंफर्ट का पूरा ख्याल रखते हैं, और जहाँ मैं रह रहा हूँ बंदे बड़े अच्छे हैं। और असलम भाई, मैं पहले एक जगह पे रहता होता था, वहाँ पे असलम भाई थे पाकिस्तान से, तो मुझे आज भी याद है जब मैं घर पे रेस्ट करने के लिए आता था तो वो कमरे से बाहर चले जाते थे, उनका जब मैं आता था 2 घंटे के लिए सोने के लिए, वो फ़ोन जो है वो बाहर जाके बात करते थे। मैं कहता था कोई बात नहीं भैया आप यहीं बात करते रहो, लेटे रहो यहाँ पे। वो कहता था नहीं यार मुझे पता है तू थका आया है, 2 घंटे सो जा। तो जब ऐसे बंदे ऐसे रूममेट आपको मिलते हैं, वो आपको बड़ी मुश्किल से ही मिलेंगे इस तरह के रूममेट, मगर जब ऐसे लोग ऐसे रूममेट्स आपको मिलेंगे तो यहाँ पे रहना, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, पास करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप इस तरह के आदमी बने कि आपको किसी आपकी वजह से किसी और को जो है वो डिसकम्फर्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो बस बाकी एक जगह पे तो आप टिक के रहने वाले ही नहीं हो। मैंने भी 4 से 5 जगहें जो है वो चेंज कर ली हैं 1.5 साल के अंदर अंदर। जो है मैंने यही कोशिश करी है कि मैं जहाँ पे भी रहूँ मेरी वजह से कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो, बाहर जाके सड़क पे मैं चाहे जो मर्जी करूँ मगर घर के अंदर जो है मेरी तरफ से कोई डिस्टर्ब ना हो। तो जो भी लोग नए आ रहे हैं उनको हाथ जोड़ के बेनती है, और हमें जो है आपस में जो है मिल बांट कर रहना है, अच्छे से रहना है, तो इससे जो है आसान हो जाता है रहना, और समय जो है वो खुशी खुशी हंस खेल के जो है वो निकल जाता है, गुजर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी और ब्लॉग किसी और वीडियो। और आपको एक खबर सुनाता जाऊँ कि पुर्तगाल के अंदर भी जो है वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ रही है। आज जो मेरा ओनर था रेस्टोरेंट का ओनर, उसने मुझसे पूछा कि तेरे पास सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, क्योंकि कभी भी आईमा की तरफ से कोई भी बंदा आके चेक कर सकता है कि कोई इलीगली काम तो नहीं कर रहा, बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई काम तो नहीं कर रहा। तो वो तलाशी भी कर रहे हैं जगह जगह जो है, वो चेक भी कर रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कुछ जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको वो कंट्री आउट के लिए भी बोल रहे हैं। तो ये जो है फिलहाल के लिए खबर, नई गवर्नमेंट आई है उनकी तरफ से थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, और बस
आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी और ब्लॉग किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, समय बीतता जा रहा है।